शहीर, इरहा भाभी सो ब्यूटीफुल, आपके साथ ना ऐसी खूबसूरत लड़की सूट करती थी। मुझे कोई आम चीज कब पसंद आती है? और भैया तो मेरी बीवी है, खूबसूरत कैसे ना हो। वैसे यू ब्रोक सो मेनी हार्ट्स, कितनी लड़कियां आपसे शादी में इंटरेस्टेड थीं? कैसी बातें कर रही हो ज़ारा? ये सारी बातें इरहा भाभी के सामने करने की नहीं है, इनसिक्योर हो जाएंगी। बिल्कुल नहीं। ओह, शी इज वेरी कॉन्फिडेंट, ये क्यों इनसिक्योर होगी? इसको तो जो मुकाम मिला है वो किसी दूसरे को थोड़ी मिल सकता है। ये बात तो है, आप भी कोई बात करें ना, से समथिंग। आप सबकी बातें पता है इस कदर एंटरटेनिंग है कि मुझे लगता है मुझे सिर्फ सुनना चाहिए, यानी कि मेरी तारीफें सुननी चाहिए। वैसे व्हाट आर योर प्लान्स फॉर हनीमून, कहां जा रहे हो तुम लोग? जहां इरा कहेगी वहां चले जाएंगे। इनफैक्ट अब तो जो ये कहेगी वही करेंगे। वाह भाई, क्या बात है, यकीन ही नहीं आ रहा, ये वही शहीर है जो अपने अलावा किसी और की नहीं सुनता। ये सब इसकी मोहब्बत का असर है। आई एम अ चेंज मैन नाउ। आहा, लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस चेंज मैन। सो व्हाट्स द डील विद यू गाइस, व्हेन आर यू टाइंग द नॉट? क्या लेने आई हो अभी? लेने नहीं आई हूँ, बताने आई हूँ। अगर मेरे बारे में मोहल्ले वालों से बकवास की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्यों ना करूं? मैं तो करूंगी। तुमने जो मेरे बेटे के साथ खिलवाड़ किया है, तुम्हारी असलियत भी तो दुनिया वालों को दिखाऊंगी ना। ये जो तुम शरीफजादी बनी फिरती हो ना, तुम्हारे करतूत दुनिया को दिखाऊंगी मैं। तो फिर अपने बेटे की जान से जाओगी, और इसको धमकी मत समझना। अगर अपने बेटे की जिंदगी चाहती हो ना तो मेरी और उसकी तस्वीरें मोहल्ले वालों को दिखाना बंद करो, वरना वो हशर करूंगी ना कि तुम याद रखोगी तुम्हारे साथ हुआ क्या है। हाँ, तुम सही कहती हो, मुझे मोहल्ले वालों को नहीं बताना चाहिए था, ना तुम्हारी तस्वीरें दिखानी चाहिए थी। डर लग रहा है मुझे, डर गई मैं तो। इस दफा तो यहाँ बात करने आई हूँ, अगली दफा घसीट के लेके जाऊंगी मोहल्ले वालों के सामने। ये बहुत महंगा पड़ेगा मुझसे पंगा लेना, समझ आई?